Assalamu alaikum, my dear students. I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss our very essential topic, that is of latent heat of a fusion. Latent heat of a fusion, lafz latent ka matlab hota hai hidden. Ke fusion ki jo hamare paas hai hidden heat hai wo kya hai? Latent heat of a fusion hamare paas hai, isko define karte hain. Hamare paas for example unit mass hai. Kiska किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम मेल्ट करना चाहते हैं. तो जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर की एक ऐसी क्वांटिटी आएगी, एक ऐसा जो है लेवल आएगा कि जहाँ पर जो है जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब वो मेल्ट होती है तो वो टेम्परेचर जो है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, फ्यूजन पॉइंट कहलाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. तो फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं. लेकिन इसके अलावा जो है एक और चीज़ है कि जब एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाने के बाद फिर फर्दर जब हम उसको हीट कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते जाते हैं तो फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब वो लिक्विड जो है आगे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई सब्सटेंस जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर जो है क्या कहलाता है, वो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. तो इस तरीके से हमारे पास जो है दो पॉइंट्स हैं, एक है फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्यूजन पॉइंट कहते हैं, सॉरी क्या नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास, और दूसरा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है. जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है, मेल्टिंग पॉइंट को हम दूसरे लफ्ज़ों में फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर हमने बात की है बॉइलिंग पॉइंट की. अब बीच में हमारे पास एक नया पॉइंट आया है जो मैंने अभी बताया है जिसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जहाँ पर कोई बॉडी जो है क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है सॉलिड में. जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. और वो पॉइंट जहाँ पर कोई लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है लिक्विड में, यानी मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या हमारे पास होता है फ्यूजन पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट पर जब कोई भी सब्सटेंस पहुंच जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है, कब तक स्टॉप रहता है, जब तक वो सारे का सारा जो है सब्सटेंस दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता. यानी अगर फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने में जो है जिस पॉइंट पर वो मेल्ट हो रहा है उस पॉइंट पर उसको हम हीट तो कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा. तो टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर यूनिट मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन. सो लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन. तो ये हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन की डेफिनेशन होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की. तो इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करते हुए या बयान करते हुए मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा कि लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन जो है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, एच एफ से. तो एच एफ जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन को. तो लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन बेसिकली जो है ये क्या हो गया, यूनिट मास के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली क्या है, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी है या क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है, जिसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेकिन स्टेट चेंज हो जाती है. तो स्टेट चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है इसी एक्सप्लेनेशन से, इसी डेफिनेशन से हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म हासिल हो गई है जिसको हमें लिख दिया डेल्टा का ये सॉरी एच एफ इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम. आप यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि एम डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एच एफ के साथ. तो एच एफ के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ ये फर्दर फॉर्म आ जाएगी डेल्टा क्यू एफ इक्वल टू एम एच एफ. इसके साथ ही हमारा जो है ये
लैटिन लीक ऑफ फिजियन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको सात एग्जांपल लास्ट में दूंगा। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये आइस है, तो आइस की जो स्पेसिफिक जो हमारे पास लैटिन हीट ऑफ फिजन है वो है ये 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 5 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जौल पार्टिकल काउंट बन जाएगा। क्योंकि यूनिट यहाँ पर हम देख रहे हैं इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर कि क्या है कि हीट का जो ऐसे यूनिट है वो जौल होता है और मैस का ऐसे यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है। किलोग्राम को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पर किलोग्राम, यानी जौल पर किलोग्राम। तो इस तरीके से आइस की जो स्पेसिफिक सॉरी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बनेगा हमारे पास दैट इज 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर हमारे पास क्या होगी 5 जौल पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी आइस की। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 5 जौल पर किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम हमारे पास आइस है, 1 किलोग्राम आइस के अंदर जो हमने हीट प्रोवाइड की है वो हीट जो डेल्टा को एफ को से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहां पर वो है हमारे पास 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5 जौल। यानी जब हम 1 किलोग्राम आइस को 3.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5 जौल की हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास जो आइस होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है इसमें लिक्विड में यानी वाटर में, यानी मेल्ट हो जाती है। किस पॉइंट पर? मेल्टिंग पॉइंट पर। और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है भी इसी टॉपिक के साथ मैंने एक और टॉपिक इंगेज कर दिया है जो कि क्या कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद हमारे पास है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या सूरत हाल है, यहाँ पर भी हम यूनिट मास लेते हैं किसका, लिक्विड का, किसका, लिक्विड का। और यहाँ पर किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जब हम क्या करते हैं कि यूनिट मास ऑफ लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करते हुए अगर उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, टेम्परेचर में चेंज लाए बगैर, टेम्परेचर में डेफिनेटली चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टेट चेंज होगी, तो टेम्परेचर को चेंज किए बगैर यूनिट मास के अंदर जितनी हम हीट की क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं या अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तब तक जब तक जो है लिक्विड यूनिट मास का लिक्विड जो है वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तो इस क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी को हम क्या कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम एच वी से रिप्रेजेंट करते हैं और एच वी से रिप्रेजेंट करने के बाद जो है आगे इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो डेफिनेशन से हमने डिराइव किया है कि यूनिट मास है हमारे पास लिक्विड का और उसको हमने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है हीट प्रोवाइड कर दी है और हीट उस वक्त तक प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक कि इसका ये सारे का सारा लिक्विड जो है वो वेपर्स में या स्टीम में या इसके अलावा जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता था। तो उस दौरान में हमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम, यहां पर एम डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड से जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरीके से डेल्टा क्यू वी हमारे पास इक्वल हो जाएगा एम एच वी के। तो यहां पर साबित हो गया कि ये जो हीट रिक्वायर्ड है हमें स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गई उस यूनिट मास का और उस लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। तो आगे अगर हम एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल के अंदर जो है हमारे पास पहले नंबर पे एक एग्जांपल इस टॉपिक को समझने के लिए जो है काफ़ी हो जाएगी, सफिशियंट होगी और वो हम ले लेते हैं इसकी वाटर। तो वाटर की जो हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या जो है 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6 हमारे पास क्या बनेगा जौल पर किलोग्राम। तो जौल पर किलोग्राम जो है ये हम जानते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन का जो है ऐसे यूनिट है जो कि दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है 2.26 वाटर। बात कर रहा हूँ मैं कि वाटर का जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है सॉरी
latent heat of a vaporization है, वो क्या बनती है 2.26 multiplied by 10 raised to power 6 joule per kilogram. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी वैसे ही है जैसे last time हमने 3.36 multiplied by 10 raised to power 5 joule per kilogram की बात की थी. इसके अंदर latent heat of a fusion के topic के अंदर, तो यहाँ पर 2.26 multiplied by 10 raised to power 6 joule per kilogram की जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास latent heat of a vaporization है water की, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 kilogram of water को steam में convert करने के लिए कौन से point पर, boiling point पर. कौन से point पर, ये बात याद रखनी है कि boiling point के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि boiling point के ऊपर जो है state जब change होती है तो फिर उस वक्त जो है temperature change नहीं होता, और उस दौरान में जितनी हम heat provide कर चुके होते हैं जिसकी वजह से अगर temperature show नहीं हो रहा होता तो उस temperature change show नहीं हो रहा होता तो लेकिन state change हो रही होती है तो state के completely change होने तक जितनी हमें heat provide करनी होती है उसको हम कहते हैं latent heat. अगर वो solid में solid को liquid में convert कर रही है तो latent heat of fusion हो गई, और अगर वो liquid को gaseous state में convert कर रही है, vapors में convert कर रही है, तो वो कर रही है तो वो बन जाएगी latent heat of vaporization. तो ये जो हमने एग्जांपल दी है वाटर की 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 6 हमारे पास जॉल पर किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को कंप्लीटली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के हमें जो हीट रिक्वायर्ड है, जो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 6 जॉल. इसके साथ ही प्यारे जो आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. और इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी टॉपिक या दो टॉपिक हमने चूंकि आज डिस्कस किए थे, तो इन दोनों टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं आपका अवेलेबल होता हूँ. थैंक यू वेरी मच.